सोमवार सुबह 7 बजे उन्हेल से 10 किलोमीटर दूर एक स्कूल वाहन और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। दुर्घटना इतनी भयानक थी कि स्कूल वाहन चकनाचूर हो गया। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई जबकि 11 गंभीर घायल हो गए हैं, जिन्हें नागदा और उज्जैन के अलग अलग अस्पतालों में इलाज के लिए पहुँचाया गया है। कलेक्टर और SP भी अस्पताल पहुँच गए थे। उन्हेल के बच्चे नागदा के फातिमा कॉन्वेंट स्कूल में रोज पढ़ने के लिए जाते हैं। आज सुबह ये बच्चे टेरेक्स तूफान क्रमांक MP13BD2836 से स्कूल जाने के लिए निकले थे। उन्हेल से 10 किलोमीटर दूर हतईपाल की ग्राम के नजदीक उज्जैन की ओर तेज गति से जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। स्कूल वाहन में 15 बच्चे सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। घायलों को पहले नागदा के अस्पताल ले जाया गया, बाद में गंभीर घायल बच्चों को उज्जैन भेज दिया गया। हादसे के बाद बच्चों के परिजन बदहवास हो गए। अस्पतालों में उनका रो रोकर बुरा हाल हो रहा था। इधर कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी अस्पताल पहुंच गए थे। कलेक्टर ने बताया कि 4 बच्चों की मौत हुई है, 11 घायल बच्चों को नागदा और उज्जैन के अलग अलग अस्पतालों में इलाज दिया जा रहा है। ट्रक और स्कूल वाहन के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। हमारी पहली प्राथमिकता घायल बच्चों को अच्छा इलाज मिले। घटना की जानकारी मिलने के बाद उज्जैन के संजीवनी अस्पताल में नागदा के फातिमा स्कूल की 2 शिक्षिका भी पहुंच गई थी। उन्हेल नगर में सभी स्कूल व दुकानें बंद हैं। उन्हेल से अनिल कपासिया की रिपोर्ट।